हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको C3 में आप अपने फोटो और वीडियो को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। इस फोन में गाइस आपको बहुत ही यूनिक सा फीचर देखने को मिल जाता है आपके फोन में ही, जो कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है फोटो और वीडियो को हाइड करने के लिए। तो गाइस बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप रहने वाले हैं इस वीडियो में, वो आपको फॉलो करने हैं, फिर आप समझ सकेंगे आपकी फोटो और वीडियो उनको किस तरीके से हाइड करना होता है। ओके, हाइड करने के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको उनको हाइड करने के बाद किस तरीके से एक्सेस भी करना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने फोन में देखने को मिल जाता है गैलरी का ऑप्शन, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ये दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर सिंपली ओपन कर लेना है। अब जैसे गाइस यहाँ पे आएंगे तो आपके अगर फोटोज हैं तो यहाँ पे आपको शो कराएंगे, नहीं तो आपको एल्बम पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे गाइस एल्बम पे आएंगे तो आपको कुछ ऑल फोटोज यहाँ पे शो कराएगा एंड वीडियो हैं वो यहाँ पे शो कराए, जितने फोल्डर्स आपके फोन में अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पे एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपको शो कराता है। अब गाइस यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा एक प्लस का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है और देन यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, बोले तो आपको एक एल्बम क्रिएट करना है, उसका कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ इस जगह पे और देन इसको ओके कर देता हूँ। अभी गाइस आपको एक अंदर ले जाएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेलेक्ट फोटो करने के लिए बोलेगा, तो आपको एल्बम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कौन कौन से फोटो हाइड करनी है वो यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है गाइस, इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बोलता है आपको ये फोटो मूव करना है या फिर कॉपी करना है, तो आपको सिंपली अगर आप हाइड कर रहे हैं तो आपको मूव ही करना होगा, तो आप मूव पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके देखेंगे तो आपके दो फोटोज यहाँ पे जो कि मैंने फोटो सेलेक्ट किए थे वो इस जगह पे आ चुके हैं। अब गाइस जैसे कि मुझे इसमें और वीडियो भी ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड आइटम पर क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ऐड आइटम, देन यहाँ पे एल्बम पर क्लिक करना है। अब जैसे कि मुझे वीडियो ऐड करना है तो यहाँ पे ये वीडियो इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है, देन यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बोलेगा फिर से आपको मूव करना है, तो सिंपली मूव ही करना है, आपको हाइड करना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे दो वीडियो भी आ चुके हैं, अब इनको हाइड किस तरीके से करना है, ये तो एक क्रिएट फोल्डर में आ चुके हैं, अब इनको हाइड कैसे करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम इस फोल्डर पर क्लिक करना है, अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखेगा हाइड, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इस पर हाइड के क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब ये फोल्डर आपका हाइड हो चुका है, यानी कि आपके फोटो एंड वीडियो जिस फोल्डर में थे वो कम्प्लीटली हाइड हो चुके हैं। अब उनको एक्सेस किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको लिए। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के हम वीडियो बहुत सारी बनाते रहते हैं और इससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताने वाला था यहाँ पे किस तरीके से उनको एक्सेस करना है, तो क्या कहना है आपको साइड में देखने को मिलते हैं थ्री डॉट के ऑप्शन, इन पर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू हिडन एल्बम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो एल्बम्स हाइड की थी आपने वो यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आप उसको गैलरी में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप केवल अपने फोटो और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपली उस एल्बम पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने फोटो एंड वीडियो को इस तरीके से चला लीजिए, इस तरीके से इनको देख सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, और इनको अगर आपका वीडियो है पड़ा हुआ है तो आप इनको इस तरीके से यहाँ से चला सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की बहुत सारी वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।